नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बाप की खुदकुशी और भाई के साए में जीने को मजबूर 8 बेटियां। आपको बता दें कि जिला सिद्धार्थनगर के थाना डुमरियागंज क्षेत्र के ग्राम टंडवा में हाजी अनीस ने 22 मई को अपने घर पर एक सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर ली, जिसका जिम्मेदार उन्होंने 2 नामजद और कई अन्य को बताया। मृतक की पुत्री ने बताया कि आए दिन मुलाजमीन का उनके पिता के साथ झगड़ा होता रहता था, इसी कारण से उनके पिता परेशान रहा करते थे। इस केस में पुलिस कितनी सक्रिय है, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि पुलिस ने अभी तक कार्यवाही के नाम पर सिर्फ एक आदमी के नाम FIR लिखी है, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को सारी सामग्री भेजी गई, मगर बगैर CO कार्यालय के स्टाम्प के ऐसे पुलिस की कार्यशैली पर क्षेत्र में काना फूसी होने लगी है। पीड़ित योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर पूरा भरोसा रख रही है, मगर अभी तक कोई खास कार्यवाही नहीं हुई। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और DGP का सख्त निर्देश है कि फरियादी की बात नम्रतापूर्वक सुनी जाए और तत्काल कार्यवाही की जाए, मगर डुमरियागंज पुलिस खुद को सबसे ऊपर मानती है। 1 माह से अधिक समय गवा देने के बाद भी सुसाइड नोट की जाँच नहीं हो पाई। यह संभव है कि अधिक समय देने के कारण आरोपित को बचने का मौका दे दें। जब इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सब विवेचना का पार्ट है, जांच होने के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। जी, कार्रवाई तो कर रही है। जब हमने FIR दर्ज किया था तो उसके बाद से तो पुलिस हमारे पास आई, कई बार आई, हमने FIR किया है, SP से भी मिले सबसे, तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि चाहे मतलब जल्दी हो या देर हो लेकिन उनको गिरफ्तार हम करेंगे, कार्रवाई जो होती है वो करेंगे, लेकिन डिले बहुत कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, वो लोग अभी तक फरार हैं। कौन से लोग इसमें शामिल थे? मोहम्मद शफी, अब्दुल कयूम उर्फ बंटी। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जैसे 1 महीना हो गया, पुलिस अपना तो काम कर ही रही है, लेकिन क्या पुलिस की कार्रवाई से आप लोग खुश हैं या कुछ अंदेशा इसमें? जी, अंदेशा तो है। जी, अंदेशा ये है कि मतलब अभी तक इतना वक्त हो गया है तो कुछ मतलब हो नहीं रहा है, और एक बार सुसाइड नोट वो करने बोले। 22 तारीख को एक आदमी खुदकशी करता है, 23 तारीख में FIR लिखी जाती है, उसमें एक नाम मेंशन किया जाता है और बाकी सुसाइड नोट में जो नाम वो कुछ छोड़ दिए जाते हैं। पुलिस की कार प्रणाली ऐसा क्यों है सर? इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत है और इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई फोन करेंगे। अभी तक तो उनके हैंड राइटिंग मैच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजना जाना चाहिए था, वो 1 महीने के बाद 22/6 को, यानी 22 आदमी 22 तारीख को खुदकशी कर रहा है और 22/6 को भेजा जा रहा है, इतना लेट? इसमें ये विवेचना का पार्ट है, जो भी विवेचना में साक्ष्य संकलित किए जाते वो नियमानुसार जो भी अन्य जांच एजेंसी को भेजा जाना होता है तो भेजा जाता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए GTV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।